हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा, एज़ यू नो कि हम अपनी EVS की बुक का चैप्टर नंबर 11 कुकिंग एंड ईटिंग ये रीड कर रहे थे। तो इसके अंदर बेटा हमने देखा कि हम जो खाना खाते हैं तो क्या है कि उसमें से कुछ मटेरियल होता है जिसको हम रॉ यानी कि कच्चा खा जाते हैं, बट कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिनको हमें पकाने की ज़रूरत होती है। ओके? तो फिर हम उनको पका के खाते हैं। तो फिर कहते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंडर मेथड्स ऑफ कुकिंग, मतलब कौन कौन से तरीक़ों से हम फूड को कुक कर सकते हैं, पका सकते हैं, तो वो हमने इसके अंडर रीड किए। तो चलिए फिर इसके बाद आज हम जो इसी चैप्टर के अंडर करने जा रहे हैं, तो दैट इज़ वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग। कि अब हमने देखना है, हमने ये देखा कि हम मतलब कैसे फूड को कुक करते हैं, कैसे पकाते हैं, तो अब हम ये भी देखेंगे इसमें कि कौन कौन से वेसल, ठीक है, मतलब किन बर्तनों के अंदर हम इन मतलब जो फूड है उसको पकाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग, कि कुकिंग के लिए, पकाने के लिए किस किस बर्तन की कैसे कैसे ज़रूरत होती है। तो कह रहे कि अ वैरायटी ऑफ वेसल आर यूज्ड इन द किचन। आपने अपनी किचन के अंदर जाके देखा होगा, सबके घर में किचन है, ठीक है ना, तो बर्तन भी पड़े होते हैं, तो आपने सभी वेसल जो हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, तो आपने उनको देखा होगा। तो कहते दे डिफर इन शेप, वो मतलब शेप, उनका आकार शेप अलग होता है, ठीक है, एंड साइज़, और उनका साइज़ भी मतलब अलग होता है। शेप मतलब हो गई जैसे कोई राउंड है, गोल है, ठीक है, कोई स्क्वायर में आ जाता है, तो साइज़ मतलब कोई छोटा कोई बड़ा। तो कहते एंड आर मेड ऑफ मटेरियल्स, और वो अलग अलग टाइप के मटेरियल से बने होते हैं, एक ही टाइप का मटेरियल नहीं होता। लाइक एज कोई बर्तन स्टील का होता है, कोई आयरन का, ठीक है, कोई एल्यूमिनियम का, एंड ग्लास, कोई कांच का भी होता है। तो ये देखिए नीचे कुछ बर्तन जो हैं आपको वेसल्स दिखाए गए हैं, ये जैसे फ्राइंग पैन है, ठीक है, ये वोक है, कढ़ाई, फ्राइंग पैन फ्राई करने के काम आता है चीज़ों को, वोक कढ़ाई, जैसे हम वेजिटेबल वगैरह कुक करते हैं इसके अंदर, और ग्रिडल आ गया, ठीक है, तवा, जिस टाइप से मतलब इसके ऊपर चीज़ों को सेका जाता है, प्रेशर कुकर है, पोट, मटका है। तो पहले ज़माने में पॉट का ज़्यादा यूज़ होता था प्रेशर कुकर की बजाय। तो उसके बाद आ जाता है सर्विंग स्पून, एस स्पून ऐसा मतलब जिससे हम मतलब क्या है कि जो वेजिटेबल वगैरह बनी होती है उससे उसको सर्व करते हैं, टीस्पून, ठीक है, और टेबलस्पून, टेबलस्पून थोड़ा बड़ा होता है और टीस्पून जो होता है वो छोटा होता है। स्कीमर आ गया, ठीक है, जो मतलब जैसे हम चीज़ों को फ्राई करते हैं तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है ताकि तेल जो है वो छन जाए। स्पैटुला जो है तो इसको क्या है कि मतलब चीज़ को परतने के लिए, ठीक, यूज़ किया जाता है। लैडल, कड़छी, तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये बर्तन हम यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए। तो कहते कि नाउअडेज, आजकल के दिनों में, कहते वी ऑल्सो यूज़ नॉनस्टिक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। तो आज की डेट में हम एक टाइप का और बर्तन जो यूटेंसिल है ये यूज़ करने लग गए हैं, जिसको हम कहते हैं नॉनस्टिक, ठीक है, कि स्टिक क्या होता है, चिपकना, और नॉन मतलब जिसपे कुछ भी ना चिपके।